क्या हैंड प्रैक्टिस हस्त मैथुन या फिर मास्टरब्यूशन करने से हो जाता है स्पर्म बहुत ही पतला? क्या यही है इसका कारण? कई बार लोग इस बात को लेकर भ्रम में रहते हैं और उनको काफ़ी टेंशन भी होती है, तो इस सवाल का जवाब चलिए इस वीडियो में जानते हैं। वीर्य के गहरे होने और पतले होने का कारण बहुत सारी वजहें हो सकती हैं। आपका लाइफस्टाइल, आपकी जो लाइफस्टाइल है वही सबसे इम्पॉर्टेंट होती है आपके हेल्थ को, चाहे वो आपकी मेंटल हेल्थ हो या फिर आपके फिजिकल हेल्थ। दोनों हेल्थ के लिए आपको बता दूं कि आपका सही नींद लेना और आपके लाइफस्टाइल को सही होना बहुत ज़रूरी है। स्पर्म का पतला होना कई बार स्पर्म के स्ट्रक्चर और स्पर्म की कमी यानी कि प्रोडक्शन में कमी होने के कारण भी होती है, जिसके कारण स्पर्म का पतला होना देखा गया। नेक्स्ट जो वजह है वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस जो ऐसी चीज़ है जिसके वजह से स्पर्म का प्रोडक्शन बहुत कम हो जाता है, जिसके वजह से काफ़ी पतला हो जाता है। इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रखिए तो आपकी सारी हेल्थ सही रहेगी। लेकिन आजकल इम्यून सिस्टम के बारे में हम काफ़ी सुन रहे हैं, जान रहे हैं। इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखिए, अदरवाइज इसका हेल्थ आपके वीर्य पे भी पड़ सकता है। तो इम्यून सिस्टम वीक होने के कारण भी ऐसा होता है। जिंक ओमेगा 3 जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए, जिनकी कमी होने के कारण भी कई बार वीर्य काफ़ी पतला हो जाता है। नेक्स्ट जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है, बार बार डिस्चार्ज करने से। अगर बार बार हस्त मैथुन करते हैं, कई बार करते हैं, तो इसके वजह से भी ये सारी चीज़ें होती हैं। बार बार डिस्चार्ज की वजह से कई बार और तरह की प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे स्पर्म में जो वेसिकल्स हैं, वेसिकल्स से उनका फट जाना, यानी कि आपके स्पर्मेटिकल जो वेसिकल्स हैं वो फट जाती हैं, वो नलिकाएं जिनके थ्रू जो स्पर्म आता है, और कई बार उसमें से ब्लड भी आता है लेकिन आपको पता भी नहीं चलता। ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इसका बिल्कुल भी वजह नहीं है कि हस्त मैथुन की वजह से वीर्य पतला होता है। वीर्य पतला होने का कारण कई और चीज़ें भी होती हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।